आर राजेश व्लॉग जानते होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। यहां पर देखिए मैंने इनके यूट्यूब चैनल को यहां ओपन कर रखा है, ये है इनका चैनल। तो अभी मैं आपको इनकी आज काली सच्चाई बताने वाला हूं। आर राजेश व्लॉग को आप लोग जानते होंगे, आज मैं आपको इनके कारनामे बताने वाला हूं, इनकी काली सच्चाई बताने वाला हूं। क्योंकि आप लोग इनके वीडियो देखते होंगे, इनके वीडियो पर आप लोग सबसे पहले व्यूज देखो, इनके हर एक वीडियो पर 2-2.5 लाख 3 लाख आराम से व्यूज आ जाते हैं। देख रहे हैं, इन्होंने अच्छे अच्छे व्लॉगर को पीछे छोड़ रखा है। तो ये इनका चैनल है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे आर राजेश व्लॉग को। इन भाई को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, 100% जानते होंगे, क्योंकि जो इनका कंटेंट है यूट्यूब पर वायरल है। ये जो है यूट्यूब पर वायरल है, इनकी वीडियो यूट्यूब पर बहुत ही तेजी से वायरल चल रही है। अगर आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते होगे तो कभी ना कभी इनकी वीडियो आपके सामने जरूर आई होगी, 100% आई होगी, क्योंकि इनका चैनल वायरल चल रहा है इस समय। आप लोग सब्सक्राइबर देखिए, 6.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, 6.13 यानी कि 6.13 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, और इन्होंने देखिए 340 वीडियो डाल रखी है। तो आप लोग इनके वीडियो देखते होंगे, रेगुलर इनकी वीडियो को फॉलो करते होंगे, तभी तो देखिए एक दिन में 2.3 लाख व्यूज, 2 दिन में 2.7 लाख व्यूज, 2 दिन में 2 दिन में 3.4 लाख व्यूज, लाखों में व्यूज आ रहे हैं। तो मुझे पता है लाखों लोग इनकी वीडियो देखते हैं, लेकिन आपको इनकी काली सच्चाई नहीं पता है, आप लोग इनके कारनामे नहीं जानते हो। तो अभी मैं आज आपको इनकी काली सच्चाई बताने वाला हूं, जिसको देख के आप लोग के होश उड़ जाएंगे। सच बता रहा हूं मैं, आप लोग भी अंदर से हिल जाओगे कि आखिर आज राजेश ब्लॉग भी ऐसा कर सकते हैं। ये वीडियो में तो इतना अच्छा दिखाते हैं, वीडियो में इतना अच्छा बोलते हैं, लोगों को इतना पसंद आता है इनका कंटेंट, लेकिन आखिर ये ऐसा काम कर सकते हैं क्या? तो आज मैं आपको काली सच्चाई बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो यहां पर देखिए आर राजेश ब्लॉग है, बहुत से लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले इनकी अर्निंग बताई हुई थी, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि आर राजेश व्लॉग भाई अपने यूट्यूब चैनल से कितना कमाते हैं, कम से कम 2 से 3 महीना पहले मैंने अर्निंग बताई थी, और उस वाली वीडियो पर 40,000 व्यूज आए। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाके आप लोग वो वाली वीडियो सर्च कर सकते हो, आर राजेश व्लॉग की मैंने अर्निंग बताई, वो वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, वहां से आपको इनकी इनकम पता चल जाएगी कि ये अपने यूट्यूब चैनल से कितना कमाते हैं। तो अगर आपको इनकम जाननी तो आप इनकम जान सकते हो, बाकी आज मैं आपको इनकी काली सच्चाई बताने वाला हूं, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे सुन के। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले बहुत से लोग तो इनको जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं उनको थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं, ठीक है? ये है आर राजेश व्लॉग, ठीक है? इनका एक व्लॉगिंग चैनल है, यानी कि एक तरह से व्लॉग डालते हैं। आपने जैसे देखा होगा बड़े बड़े व्लॉगर, जैसे कि सौरभ जोशी व्लॉग हो गया, मुंबई का निखिल हो गया, फ्लाइंग बीट सर हो गए, ये सब तो टॉप के लोग रहे, ये सब तो शहर में रहते हैं, लेकिन आपने गांव में भी 2-3 व्लॉगर सुना होगा, विजय रिया व्लॉग, रंगीला फैमिली व्लॉग, ये सब भी व्लॉग बनाते हैं। तो उसी तरह आर राजेश भाई भी व्लॉग बनाते हैं, लेकिन ये डेली व्लॉग तो बनाते हैं, लेकिन एक तरह से ये ट्रक ड्राइवर भी हैं। तो ये जो है ट्रक से रिलेटेड व्लॉग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइबर देखिए, 6.13 यानी कि 6.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर, और वीडियो देखिए 340 वीडियो डाल रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका अबाउट सेक्शन दिखाता हूँ, इनका चैनल कब बना, ठीक है? यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल 2021 यानी कि अभी इनके चैनल को 22 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 यानी कि इनके चैनल को अभी 1.5 साल हुए, और 1.5 साल में इनके चैनल पर देखिए 6.13 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और देखिए 340 इन्होंने वीडियोस डाल रखी है, ठीक है? ये मैंने आपको चैनल दिखा दिया, बहुत से लोग 90% लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी 10% लोग नहीं जानते, तो मैं इनको पहले इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक? तो ये देखिए चैनल है, और यहाँ पर देखिए इन्होंने डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिख रखा है डेली व्लॉग्स ऑफ इंडियन ट्रक ड्राइवर, यानी कि जो इंडिया के ट्रक ड्राइवर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे पे और रोडों पे जो ट्रक चलाते हैं ड्राइवर, जो माल मतलब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोडिंग एंड लोडिंग का काम करते हैं, तो इस तरह से ये भी काम करते हैं, और उसी को काम करते करते इन्होंने वीडियो में दिखाना चालू कर दिया, यानी कि डेली ये ट्रक ड्राइवर से ट्रक माल इधर से कहीं ले जाना, उधर दूसरे शहर में ले जाना, ठीक है? कहीं कल गुजरात से क्या कहते हैं कि लखनऊ ले जाना, लखनऊ से कहीं दिल्ली ले जाना, इस तरह से ये माल क्या कहते हैं इधर इधर से उधर करते रहते हैं, तो उसी को उन्होंने वीडियो में दिखाना चालू कर दिया। तो स्टार्टिंग में तो इनके व्यूज नहीं आते थे, ठीक है? स्टार्टिंग में वीडियो बनाते थे तो कोई व्यूज नहीं आते थे, लेकिन इनके धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लगी। यहां पर मैं आपको मोस्ट पॉपुलर में दिखाता हूं, तो ये वाली देखिए 3 महीना पहले 26 लाख व्यूज आए, जिस पर इन्होंने दिखाया है आज दशहरा स्पेशल चिकन बनेगा, यानी कि खाने पीने से रिलेटेड इन्होंने कुछ दिखाया होगा, तो वो वाली वीडियो इनकी वायरल हुई। तो वहीं से धीरे धीरे इनके चैनल पर क्या कहते हैं ऑडियंस आने लगी, वहीं से इनके सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, और आप प्रेजेंट टाइम पर व्यूज देखो इनके चैनल पर 2 से 2.5 लाख व्यूज तो आराम से आ जाते हैं। इतने तो आप मुंबई का निखिल के चेक करोगे ना तो उनके भी नहीं आते जितना इनके आते हैं। तो इस तरह से इनका जो है व्लॉग वायरल हुआ। ये भी स्टार्टिंग में इनके भी व्यूज नहीं आते थे,
100 200 500 ऐसे व्यूज आते हैं, लेकिन ये डेली वीडियो डालते गए क्योंकि ये डेली इधर से उधर क्या कहते हैं घूमते ही रहते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए माल ढोने के लिए, तो उसी को वीडियो में दिखाते रहते थे। तो स्टार्टिंग में धीरे 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 इनका चैनल जब वायरल हुआ, जब इनकी ये वीडियो वायरल होने लगी, देखिए 3 महीना में 26 लाख, उसके बाद 8 महीना में देखिए 26 लाख, उसमें भी इन्होंने कुछ खाने पीने से रिलेटेड बताया था, उसके बाद देखिए 6 महीना में 24 लाख, उसमें भी इन्होंने कुछ खाने पीने वाली चीजें बताई थी। तो इस तरह जब इनकी वीडियो वायरल होने लगी तब इनके चैनल पर आप लोग सब्सक्राइबर देखिए, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए और इनके क्या कहते हैं व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं रिसेंटली टाइम पे, और ये अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। मैंने आपको इनकी अर्निंग बताई हुई है, अगर आप लोग ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, 40,000 उस पर व्यूज आए। तो यहां से ये देखिए इनके वीडियो पर देखिए, एक दिन में 2.3 लाख, दो दिन में 2.7 लाख, लाखों में व्यूज आ रहे हैं और इस समय लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो यहां पर मैं आपको एक बार फिर से इनकी अर्निंग बता देता हूं, ठीक है, आपको मैं फिर से एक बार इनकी अर्निंग दिखाता हूं कि कैसे लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप लोग को भरोसा ही नहीं होता। मैंने इनकी अर्निंग बताई हुई थी तो उस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो यहां पर मैं आज आपको फिर से लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि कितना कमाते हैं। यहां पर मैं जाता हूं क्रोम में, ठीक है, और यहां पर मैं सर्च करता हूं सोशल ब्लेड, सोशल ब्लेड के थ्रू आपको बताता हूं कि महीने का कितना कमाते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए सोशल ब्लेड को मैंने यहां पर सर्च कर लिया है और यहां पर मैं इनका चैनल डाल देता हूं, ठीक है, इनके चैनल का नाम है आर राजेश ब्लॉग, ठीक है, यहां पर मैं इनके चैनल को सर्च कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैं इनके चैनल का नाम जानते हो आप लोग आर राजेश ब्लॉग, ठीक है, इस तरह से मैं इनके चैनल को यहां पर सर्च कर लेता हूं अच्छे से आर राजेश ब्लॉग, और आपकी इनकी और इनकी इनकम आपको मैं फिर से एक बार दिखाता हूं कि कितना कमाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को फिर से आइडिया लग जाए, भरोसा हो जाए कि आखिर ये कितना कमा लेते हैं। देखिए इनका चैनल यहां पर आ चुका है और यहां पर आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइबर देखिए 613K, यानी कि 6,13,000, 6.13 लाख सब्सक्राइबर है, 339 वीडियो डाल रखी और वीडियो पर व्यूज देखिए मिलियन में व्यूज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चैनल कब बना है, 22 अप्रैल 2021, वही चैनल है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आइए इनके मंथली अर्निंग में, क्योंकि आप इनकम जानना चाहते हो, यहाँ पर देखिए एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग यानी कि महीने का कितना कमाते हैं, तो देखिए 7.5K यानी कि $7,500 से 119.5 की यानी कि $1,19,500 तक कमाते हैं। तो ये देखिए इनकी अर्निंग डॉलर में, तो अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो कितना होता है, यहां पर मैं आपको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाता हूं कि कितना कमाते हैं। जो मिनिमम है, दो अर्निंग है, एक मिनिमम है एक मैक्सिमम, तो मैं आपको 7.5K डॉलर जो लिखा है $7,500 इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाता हूं कितना होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं चलता हूं गूगल में, आपको सारी चीज लाइव दिखा रहा हूं कितना कमाते हैं, उसके बाद काली सच्चाई बताऊंगा, इनके कारनामे बताऊंगा जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। तो यहां पर मैं सर्च करता हूं $2INR, ठीक है, यहां पर मैं सर्च करता हूं $2INR, तो इस समय देखिए जो $1 का प्राइस चल रहा है वो 81.65 रुपीज चल रहा है। तो यहां पर इनकी अर्निंग कितनी थी, 7,500, ठीक है, 7,500 थी, कहां गया, हाँ 7,500 थी, तो यहां पर हम $7,500 के लिख लेते हैं, यहां पर देखिए $7,500 लिख लिया, तो देखिए इनकी अर्निंग कितनी निकल के आई, 6,12,405 रुपए, देख रहे हैं आप लोग, क्यों अंदर से हिल गए ना, ये इनकी महीने की यूट्यूब अर्निंग है जो अपने यूट्यूब चैनल से कमाते हैं, 6,12,405 रुपए अपने यूट्यूब चैनल से कमाते हैं, तो यानी कि 6 से 7 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन अभी आप लोग रुकिए, ये तो केवल इनकी यूट्यूब चैनल के अर्निंग है, ठीक है, ये अपनी वीडियो को फेसबुक पर भी डालते हैं, आपको पता ही है फेसबुक पर भी मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन आ गया है, फेसबुक भी अपने वीडियो को मोनेटाइज करना चालू कर दिया है फेसबुक ने, तो ये अपनी वीडियो को फेसबुक पर भी डालते हैं और वहां से भी अच्छा खासा लाखों रुपए उठाते होंगे और ये अपनी वीडियो में स्पॉन्सरशिप भी करते होंगे, तो ये मान के चलो 7 से 8 लाख रुपए यानी कि 8 लाख रुपए तक तो आराम से कमा लेते होंगे, 100% गारंटी के साथ कमा लेते होंगे। यहां पर आप लोग देख रहे हो तभी तो इनके वीडियो पर लाखों में व्यूज आ रहे हैं, और आप प्रेजेंट टाइम पर देखो कभी डोसा खाते हैं, कभी चिकन खाते हैं, कभी क्या खाते हैं, अच्छे अच्छे होटल में जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है। और ये देखिए रिसेंटली इन्होंने 3 दिन पहले देखिए वीडियो डाली, उसमें इनके देखिए पुलिस इंस्पेक्टर सर भी इनसे मिलने आए थे, ठीक है, जो SI है, जो दरोगा है, वो भी मिलने आते हैं इनसे। तो ये होती YouTube की पावर, YouTube की ताकत, आप लोग जिसको पहचानते नहीं हो हैं, और इनकी काली सच्चाई आप लोग जानना चाहते हो हैं, काली सच्चाई वच्चाई कुछ नहीं है इनकी, ठीक है, ये अपने मेहनत के दम पर YouTube पर आए। और ये जो मैंने थंबनेल में लिखा था ना कि आज मैं इनकी आपको काली सच्चाई बताऊंगा, थंबनेल में इसलिए लिखा था ताकि आप लोग क्लिक करो, थंबनेल को क्लिक करके आप लोग वीडियो देखो, और यहां तक मैंने आपको रोक के रखा,
क्यों रोक के रखा? क्योंकि मैं आपको सस्पेंस स्टार्टिंग में सस्पेंस बता दिया कि आज मैं आपको इनकी काली सच्चाई बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखोगे, क्योंकि मैंने देखा है लोग निगेटिव वाली चीजें ज्यादा देखना पसंद करते हैं, पॉजिटिव चीजें नहीं पसंद करते। अगर मैंने इसी को थंबनेल में लिखा होता आ राजेश ब्लॉग कितने अच्छे हैं आइए आपको दिखाते, तब आप लोग क्लिक ना करते, लेकिन मैंने निगेटिव चीज लिखी ना तो आप लोग ने फट से क्लिक कर लिया वीडियो को देखने के लिए कि आइए देखते हैं वीडियो में है क्या, सूरज भाई क्या बता रहा है ऐसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपने मेहनत के दम पर यूट्यूब पर आए, अपने मेहनत के दम पर यूट्यूब पर ग्रो हुए और ये 6 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, तो अपनी मेहनत के दम पे कमा रहे हैं। तो यहां पर मैंने थंबनेल पर क्लिकबेट इसलिए किया क्योंकि यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं यूट्यूब पर काम कैसे किया जाता है, यूट्यूब पर मेहनत कैसे किया जाता है। आपको कुछ ना कुछ टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आप लोग भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हो या यूट्यूब पर मेहनत करना चाहते हो, तो आपको सीधे रास्ते तो काम करना ही, लेकिन थोड़ा बहुत टेढ़ा रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही लाइन से आप सीधे सीधे काम करते रहोगे तो कभी ग्रो नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस समय 2023 चल रहा है और आपको पता ही है 2023 में यूट्यूब पर कितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया और आने वाले टाइम में कितना कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने थंबनेल पर काली सच्चाई इसीलिए लिखा, थंबनेल पर इनके लिए निगेटिव वाली चीजें इसीलिए लिखी ताकि आप थंबनेल पर क्लिक करो और वीडियो को देखो, और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि मैं आपको काली सच्चाई बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देख ले, यहां तक देख रहे हो, इसीलिए मैंने आपको यहां तक रोक के रखा। तो इस तरह से YouTube पर काम किया जाता है। अब इस वीडियो पर देखना ऑडियंस रिटेंशन मिला होगा और ये वाली वीडियो पर देखना अच्छे खासे व्यूज आने वाले हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो इस तरह से YouTube पर काम किया जाता है। और रही बात आ राजेश ब्लॉग भाई की, तो ये भाई अपने दम पर मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, इनके जो सब्सक्राइबर बढ़े हैं अपने दम पर, इन्होंने अपने सब्सक्राइबर गेन किए। अब मैं आर राजेश भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं कि एक भाई मिडिल क्लास बंदा, एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर कहां तक आज पहुंच गया, आज उसकी इज्जत देख रहो, पुलिस वाले लोग भी इनसे मिलने आते हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, कहीं भी अगर आर राजेश भाई का ट्रक देख लेते ना तो लोग दूर से ही समझ जाएंगे कि इनका ट्रक है, मिलने चले जाते हैं। तो ये होती है यूट्यूब की पावर, ये होती है यूट्यूब की ताकत। मैंने जब इनकी इनकम बताई थी ना 2 महीना पहले, बहुत से लोगों ने तो भरोसा ही नहीं किया था, कह रहे थे भाई ऐसा थोड़ा ना होता है, और आज देखो ये होता है यूट्यूब की ताकत, आप लोग जानते तो हो नहीं। तो इसलिए अगर आप लोग भी वीडियो बनाना चाहते हो, यूट्यूब पर आना चाहते हो, तो आप लोग भी एक चैनल क्रिएट कर लीजिए और इनकी तरह मेहनत करना चालू कर दीजिए जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, और आप भी मेहनत करोगे और आपको थोड़ा बहुत क्लिकबेट करना पड़ेगा, थंबनेल में थोड़ा बहुत क्लिकबेट करना पड़ेगा ताकि आपके व्यूज आ सके, आपकी वीडियो ऑडियंस तक पहुंच सके, और वीडियो ऑडियंस तक पहुंचेगी तो आपके भी व्यूज आना चालू हो जाएंगे, लेकिन आपको गलत वीडियो नहीं बनानी। ठीक है, यहां पर मैंने थंबनेल में क्लिकबेट किया है, बाकी मैंने आप देखे पूरी वीडियो, मैंने इनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, आप लोग ये सब देख रहे होंगे। ठीक है, जो भी लोग पहले ही कमेंट कर देता तो उनसे मैं यही कहूंगा पहले पूरी वीडियो को वॉच करो, थंबनेल मैंने क्लिकबेट बनाया ताकि आप वीडियो देखो, बस और कुछ नहीं। बाकी यार राजेश ब्लॉग भाई की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और यहाँ पर मैंने आपको इनकी अर्निंग दिखाई, 6 से 8 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। तो अगर आप लोग भी कमाना चाहते हो तो यूट्यूब पर चैनल बनाओ और मेहनत करो, काम करो इनके जैसे जैसे यहाँ पर भाई मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको बता दिया चीजें कि आपको कैसे YouTube पर काम करना है, कैसे मेहनत करनी है। ठीक है, आप वीडियो अच्छे अच्छा अच्छा शूट करो, ठीक, कंटेंट पर अच्छे से फोकस करो, उसके बाद थंबनेल में थोड़ा बहुत क्लिकबेट करो जिससे आपके वीडियो पर व्यूज आ सके, ऑडियंस बने। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।